यू सी गाइस, दिस इज़ अवर 17th क्लास ऑफ वोकैब और पहला वर्ड है प्रीसेंट 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 प्रीसेंट। आज तक हम जो है 16 क्लास कर ली है, 20 वर्ड्स पर क्लासेस, तो इस तरीके से हमने अभी तक 16 हो चुकी हैं। आज हमारी है 17th क्लास। तो पहला वर्ड क्या है हमारा? प्रेजेंट। प्रीसेंट माने होता है पूर्व ज्ञानी या प्रोपेटेटिक, ठीक है ना। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आप प्रीसेंट से आपका वर्ड निकल गया था पहले संत, ठीक है ना। प्रीसेंट से प्री माने पहले और सेंट माने संत, ठीक है। पहले संत भविष्य ज्ञानी होते थे, जो पहले के संत होते थे वो क्या करते थे, वो भविष्य बता देते, मतलब उनको पहले से पता लग जाता क्या होने वाला है, तो उसी का मतलब हो जाएगा प्रीसेंट माने पूर्व ज्ञानी या फिर प्रोफेटिक प्रोपेटिक 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 प्रोपेटिक, ठीक है ना। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है आपका पुरगेशन। पुरगेशन 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 माने होता है शुद्धिकरण करना या फिर प्योरिफिकेशन करना। तो पुरगेशन से आपको सीधी सी याद है, पुरगेशन से सिमिलर वर्ड आता है क्या? प्योरिफिकेशन, ठीक है ना। पुरगेशन प्योरिफिकेशन, पुर पुर और पुर, ठीक है ना। पुर से इधर पुर है और इधर भी पुर है, पुर, तो पुरगेशन प्योरिफिकेशन इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। या फिर आपका लिंक वर्ड आप देखिए, पूरे नेशन। पुरगेशन से पूरे नेशन, पूरे नेशन का शुद्धिकरण करना हमारा लक्ष्य है। पूरे नेशन का शुद्धिकरण मतलब सफाई जो है हमें जो है करनी है। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी जो है सफाई अभियान चला रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके तहत हमें क्या करना है? उसके तहत हमें साफ़ सफाई करना है, हमने हमें हर चीज़ का जो है प्योरीफिकेशन करना है। तो पुरगेशन से आपका रिलेटेड वर्ड आता है पूरी पूरे नेशन, और पूरे नेशन को हमें क्या करना है? पूरे नेशन को हमारा जो है हमें शुद्धिकरण करना है या फिर प्योरीफिकेशन करना है। अगला है ब्रिस्टल। ब्रिस्टल होता है गुस्से में भरना या फिर गुस्से से भरना, ठीक है ना। ब्रिस्टल माने गुस्से से भरना, तो ब्रिस्टल, ठीक है ना। ब्रिस्टल तो ब्रिस्टल मतलब ब्रश, आपने देखा होगा ब्रश तो यहाँ पे आ रहा है, ब्रश ले, ब्रश ले, ठीक है ना। तो ब्रश ले, ब्रश महंगा लेने के कारण पापा गुस्से हो गए। जब उसने जो है ब्रश जो है महंगा ले लिया तो क्या हुआ? उसके पापा जो है उससे गुस्सा हो गया। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, टू रिएक्ट एंग्रली, ठीक है ना। ब्रिस्टल ब्रश उसने लिया, ब्रश लिया, ब्रश कैसे ले लिया उसने? महंगा ले लिया, ब्रश महंगा ले लिया, तो इसलिए उसके जो है पापा जो है उससे गुस्सा हो गया। तो वो क्या हुआ? गुस्से से भरना। तो अगला देखिए, अगला देखिए, अगला है रफल्ड। रफल्ड माने होता है झालदार या फिर फ्रिल्ड, ठीक है ना। रफल्ड आपने देखा होगा रफ, रफ माने होता है रफ, जो हम उल्टा सीधा काम करते हैं। तो हम कैसा करते हैं वो? हम कभी उल्टा करते हैं, कभी सीधा करते हैं, मतलब जैसे मन चाहा वैसे कर देते हैं हम रफ में वर्क। तो वो कैसा वर्क लेता है हमारा? वो हमारा जो है झालदार वर्क रहता है। कोई लंबी जा रही है लाइन, कोई छोटी जा रही है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, रफ से रफल्ड और रफल्ड से आपका याद आ जाएगा झालदार, ठीक है ना। या फिर आप इसके वर्ड से याद करना चाहें तो रफल्ड से आपको याद है रफले, ठीक है। रफल्ड से क्या आता है? रफले, रफले, ठीक है ना। झालदार बनाने के लिए रफ ले ले, मतलब झालदार जो झाल झाल झालर जो बनानी है उसके लिए क्या लेना, उसके लिए उसने रफ पेपर लेने हैं, तो उसके लिए रफ ले, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगला है सप्लीकेंट। सप्लीकेंट माने होता है निवेदक या फिर सप्लीएंट, ठीक है ना। निवेदक या फिर सप्लीकेंट, तो इसको आप इस तरीके से सप्लाई कैंट, हर चीज़ का सप्लाई कैंटीन के रास्ते से हमें करने के लिए, ये है बेकार। आप इसको अलग तरीके से, ये सप्लीकेंट माने होता है जो सप्लीमेंट जो कि बॉडी बिल्डर लेते हैं, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट को लेने के लिए क्या करता है उसका जो एजेंट होता है या फिर जो आपका जिम का मालिक होता है, वो क्या करता है? वो आपसे जो है निवेदक करता है कि भाई जो है सप्लीमेंट ले लो और बॉडी बढ़िया बन जाएगी, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट लेने के लिए सप्लीकेंट करता है कौन? सप्लीकेंट करता है आपका जो है आपका जिम मालिक, वो आपको जो है निवेदक करता है कि आप जो है सप्लीमेंट ले लो। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, सप्लीकेंट से सप्लीकेंट से आपको याद आ जाएगा सप्लीमेंट। और सप्लीमेंट लेने के लिए जिम मालिक या फिर जो है रिटेलर जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं? वो निवेदक करते हैं कि भाई आप जो है सप्लीमेंट ले लो, आपकी बॉडी जो है बढ़िया बन जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है अल्बेट। अल्बेट माने होता है तथापि या फिर ऑल्दो। अल्बेट माने तथापि या फिर ऑल्दो। तो अल्बेट का आपको याद करना है, आपका लिंक वर्ड है ऑल बात। ऑल बात, ऑल बात में तुम्हें यथापि लगाने की आदत है, ठीक है ना। सब बात में, ऑल बात मतलब ऑल सारी बात, सारी बात में तुम्हें जो है तथापि मतलब या फिर ऑल्दो लगाने की आदत है। सब ने आपने देखा होगा, कोई बहुत से लोग जो होते हैं इंग्लिश बोलते हैं तो वो हर बात में ऑल्दो ऑल्दो लगाते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि जो भी हर बात में ऑल्दो लगाते हैं तो उन्हें क्या हो जाता है? उन्हें जो है हर बात में या फिर ऑल बात में जो है ऑल्दो लगाने की आदत हो जाती है। या फिर आप इसको इस तरीके से ना कहें, ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ऑल बैट से ऑल आ गया, ठीक है ना, और ऑल से यहाँ पे आ गया आपका ऑल्दो। तो ऑल बैट यानी ऑल्दो, ऑल बैट ऑल्दो, ऑल बैट ऑल्दो, ऑल बैट ऑल्दो,
ठीक है। अगला है बैट, बैट माने होता है फंसाना, ठीक है ना, ल्यूर करना, ठीक है ना, किसी को जो है गलत कामों के लिए जो है किसी चीज़ में फंसा देना या फिर, ठीक है ना। बैट माने होता है बेटा या फिर वेट, बेटा या फिर वेट, ठीक है ना। तो बेटा वेट कर करके तुम्हें मुझे तुमने मुझे फंसा दिया, बेटा तुमने मुझे वेट कर करके उसने कहा कि भाई तुम मेरे साथ रुको, तुम मेरे लिए वेट करो थोड़ी देर, और वेट वेट करते करते उसने क्या करा, उसको उसको जो है फंसा दिया। तो इस तरीके से आप इसको याद कर, ठीक है। या फिर आप इसको एक और तरीके से याद कर सकते हैं, बैट माने होता है बैठना, ठीक है ना। तो उसने उसने अपने पास उसे बैठा लिया, और बैठाने के बाद क्या करा, उसने उसको जो है फंसा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है कंप्लाइंस, कंप्लाइंस माने होता है स्वीकृति या फिर द प्रैक्टिस ऑफ ओबेइंग रूल्स, ठीक है ना। तो कंप्लाइंस माने क्या होता है, स्वीकृति या फिर द प्रैक्टिस ऑफ ओबेइंग रूल्स। तो कंप्लाई माने क्या होता है, कंप्लाई माने होता है किसी चीज़ का पालन करना, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ठीक है ना, कंप्लाई, ठीक है ना। तो किसी चीज़ का पालन करना, पालन करने के लिए क्या होगा, किसी की चीज़ के लिए स्वीकृति होनी ज़रूरी है। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। या फिर अगला देखिए, अगला है इसमें कंप्लाइंस मतलब कम रिलायंस, कंप्लाइंस माने कम रिलायंस या फिर कम टू रिलायंस, कम टू रिलायंस, कम टू रिलायंस, क्योंकि रिलायंस अपने उत्पादों को कम दामों पर बेचने की स्वीकृति दे देती है, ठीक है। आप रिलायंस में आइए, क्योंकि वो जो है कम दामों में अपने जो है जो उसके जो हैं उत्पाद हैं उसको जो है बेचने के लिए जो है स्वीकृति दे देती है। तो कंप्लाइंस मतलब कम रिलायंस, तो रिलायंस हमेशा क्या करता है, रिलायंस अपने कम दामों पर अपने जो है प्रोडक्ट को बेचने की जो है इजाज़त दे देता है। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है इटरेट, इटरेट माने होता है दोहराना, इटरेट माने दोहराना। तो इटरेट से आपका वर्ड आता है इतराते, इतराते, ठीक है ना। आप अगर इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इतराते ही आपका जो है निकल कर आएगा, ठीक है ना, इतराते। तो उसने इतराते हुए इस बात को बार बार दोहराया, उसने जो है इतराते हुए बोला और उस बात को जो है बार बार दोहराया। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इतराते मतलब दोहराना या फिर रिपीट करना। तो या फिर इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, इटरेट मतलब उसने मुझे इरीटेट कर दिया, इटरेट मतलब इरीटेट से लिंक वर्ड आपका आता है इरीटेट। और इरीटेट आप कब होते हैं, जब कोई बात बार बार जो है कोई ना कोई दोहराता है, तो आप क्या हो जाते हैं, आप उससे जो है इरीटेट हो जाते हैं, ठीक है। बार बार खराब हो रही है, चलिए ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है रिपोजिटरी, रिपोजिटरी होता है आपका स्टोर हाउस या फिर वेयर हाउस, ठीक है ना, जहाँ पे आप जो है चीज़ों को रखते हैं, गोदान कोष, ठीक है ना, रिपोजिटरी। तो रिपोजिटरी मतलब जहाँ पे आप रिपोजिटरी, जहाँ पे आप जो है किसी भी चीज़ को डिपॉजिट कर दें, डिपॉजिट से आपको, डिपॉजिट से आपका लिंक वर्ड आता है डिपॉजिट, और डिपॉजिट मतलब जहाँ भी आप किसी चीज़ को डिपॉजिट कर सकें। तो आप हर चीज़ को डिपॉजिट कहाँ करते हैं, आप स्टोर हाउस में करते हैं, आप जो है गोदान में करते हैं, या फिर कोष में करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। या फिर आप देख लीजिए, डिपॉजिट मतलब रूपा, डिपॉजिट, रूपा ने अपने सारे गहने कोष में डिपॉजिट कर दिए, वही है आपका जो है तरीका, ठीक है ना। डिपॉजिट मतलब रूपा डिपॉजिट। तो डिपॉजिट कहाँ होती है, हर चीज़ डिपॉजिट, हर चीज़ जो है स्टोर हाउस में होती है, गोदान में होती है, या फिर कोष में होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला जुबिलेशन, जुबिलेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जुबिलेशन माने होता है उल्लास या यूफोरिया। जूबी 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 वाला गाना जो है आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, जो कि थ्री डेट में है, जूबी डूबी जूबी डूबी। तो उस गाने में जो है आमिर खान कैसा है, उस गाने में आमिर खान उल्लास से भरा हुआ है, यूफोरिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको हम बताया था, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला है इनकर, इनकर माने होता है उत्तरदायी होना या फिर भुगतान करना, ठीक है ना, बेयर करना किसी भी चीज़ का जो है, जो है किसी भी चीज़ का जो है भुगतान करना। तो इनकर, इनकर से आपका रिलेटेड वर्ड निकल कर आता है इनकार, इनकर से आपका रिलेटेड वर्ड आता है इनकार। इनकार आप नहीं कर सकते कर भुगतान करने के लिए, भाई बहुत से लोग जो हैं आपका जो है टैक्स भुगतान करने के लिए मना कर देते हैं, तो आप उसके लिए इनकार नहीं कर सकते। इनकार किस चीज़ के लिए आप कभी नहीं कर सकते, इनकार किस, और इनकर से आ जाएगा आपका इन, लीवे माने होता है आपका छूट, गुंजाइश, किसी भी चीज़ में छूट होती है, गुंजाइश होती है। जैसे आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने बोला भाई ये 500 रुपये की, आपने बोला 50 रुपये की छूट कर दो, तो उस छूट को आप क्या बोलते हैं, लीवे। तो लीवे, लीवे से आपका वर्ड निकल गया था ली या वे, ठीक है ना। ली एक कंपनी है, ब्रांड है एक कपड़ों का, ठीक है ना। तो एल्बो रूम, और तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला है फाइबर,
कमजोरी या फिर वीकनेस। तो फॉइबल से आपका लिंक पर निकलता है, बहुत ही वीकनेस है, बॉय जो है एबल नहीं है किसी भी काम के लिए, बॉय एबल नहीं है किसी भी काम के लिए, क्यों? क्योंकि वो जो है वीक है, उसमें जो है वीकनेस भरी पड़ी है, ठीक है ना। फॉइबल्स आपका बॉय एबल नहीं है क्योंकि उसमें जो है कमजोरी है, उसमें वीकनेस है और वो कुछ भी काम, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला है प्रकाश। प्रकाश 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 माने होता है उपद्रव या फिर नॉइजी क्वेरल या फिर ब्रॉल। प्रकाश माने, ठीक है ना, झगड़ा, ठीक है ना, नॉइजी क्वेरल, प्रॉल, उपद्रव। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। लिंक वर्ड आता है आपका फिर प्रकाश से, फिर आकाश। फिर आकाश अपने पड़ोसी से झगड़ा कर रहा है, जो आकाश लड़का है वो भाई भाई बार 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 जो है झगड़ा करता है, तो उसने भी आज फिर से अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा कर लिया। तो फिर से आकाश, फिर आकाश ने झगड़ा कर लिया, फिर आकाश मतलब प्रकाश। तो फिकंडिटी माने होता है उपजाऊ या फिर फर्टिलिटी। फिकंडिटी फिकंडिटी फर्टिलिटी फिकंडिटी फर्टिलिटी फिकंडिटी फर्टिलिटी। तो इस तरीके से आपको सेम जो है आपको जो है साउंड सुनाई दे रही होगी फिकंडिटी और फर्टिलिटी की। बाकी आपको लिंक करना है तो फैक्यू डी टी जो फिकंडिटी है उसको आपके फर्टिलिटी फ्रूटफुल का बड़ा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बकवास हो जाएगा, आपको उसको दूसरे तरीके से देखिए। फिकंडिटी फिकंडिटी माने फर्टिलिटी, ठीक है ना। फीका फिकंडिटी से आपका रिलेटेड वर्ड आता है फीका। फीका कब होता है, फीका कब होता है, जो भी चीज़ है वो फीका कब होता है, क्यों? जब उसमें जो है फर्टिलिटी कम होती है। भाई कोई भी ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी कम है तो उसकी जो उपजाऊ चीज़ें होंगी, जो भी आपका आपने कुछ भी उस पर उपजाया होगा तो कैसा होगा, वो अपने स्वाद से जो है फीका होगा, वो अपने स्वाद पर जो है नहीं होगा, जैसे उसका स्वाद ओरिजिनल होगा वैसा नहीं होगा, वो फीका होगा। तो फिकंडिटी मतलब फर्टिलिटी, क्योंकि फिकंडिटी से आपका रिलेटेड वर्ड निकल के आता है फीका। फीका कब होगा, जब फर्टिलिटी नहीं होगी, तो फिकंडिटी फर्टिलिटी। ब्रूक 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 माने होता है बर्दाश्त करना या फिर टू टॉलरेट। ब्रूक माने एक वो भी होता है छोटी नदी को हम ब्रूक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ब्रूक माने बर्दाश्त करना या फिर टू टॉलरेट। तो ब्रूक से आपका लिंक वर्ड आता है ब्रूक बॉन्ड। ब्रूक से आपका क्या वर्ड निकल के आता है, ब्रूक बॉन्ड। तो नहीं कर सकते भाई ब्रूक बॉन्ड, इसे इस तरीके से मत करिए आप, इसे देखिए ब्रूक से आपका याद आता है ब्रूक बॉन्ड, ठीक है ना। ब्रूक बॉन्ड चाय कैसी है, ब्रूक बॉन्ड चाय अगर कोई दे दे तो भाई वो पीनी जो है बर्दाश्त करने के बराबर है, ठीक है ना। उसे पीना जो है एक तरीके से अपने आप को टॉलरेट, उसे जो है क्या नाम है, ब्रूक को टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो पीनी जो है बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि ब्रूक से आपका आता है ब्रूक बॉन्ड, और ब्रूक बॉन्ड को बर्दाश्त करना मतलब पीना जो है बहुत ही जो है स्वादहीन है, टेडियस है, ठीक है ना। अगला है डैकरी। डैकरी माने होता है ऑर्डर या फिर आज्ञा। तो डैकरी से आपका जो है रिलेटेड वर्ड आता है निकल के डिग्री। तो डिग्री का सर्टिफिकेट सबके पास होने के बाद मिले, ये सरकार का ऑर्डर एडिक्ट है। तो इस तरीके से आप इसको मत करिए, इसको देखिए। डैकरी माने डिग्री, ठीक है ना। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है कि अगर आपको डिग्री मिल गई तो मतलब आपके लिए आदेश हो गए, आपके लिए ऑर्डर हो गए कि आप कहीं भी जाकर आ गए एडमिशन ले सकते हैं या आप जो है जॉब कर सकते हैं। भाई डिग्री का मतलब क्या है, एक तरीके से ये ऑर्डर है कि भाई इस बंदे ने जो है यहाँ से 12th या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी है वो किया है। तो डिग्री माने डिग्री, और डिग्री का असली मतलब क्या है, डिग्री का असली मतलब है ऑर्डर के भाई यहाँ से इसने कर लिया, आप जो है आगे जाके कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं या फिर कहीं भी जो है आप जॉब कर सकते हैं, तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। अगला है ल्यूड। ल्यूड माने होता है कामुक, दुष्ट या फिर स्क्वैलर्ड, ठीक है ना। तो ल्यूड से आपका लिंक वर्ड आता है LED में डैश, ठीक है ना। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा जो LED में ये देखता है उसके जो है कैसा होता है, वो जो है कामुक होता है, दुष्ट होता है या फिर स्क्वैलर्ड होता है। अगला देखते हैं, अगला है पैडल। पैडल होता है फेरी लगाकर बेचना, ठीक है ना। टू हॉक करना, भाई जो हॉकर्स होते हैं जो आपके सिलेंडर वाके दे के आते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम हॉकर। और हॉकर का दूसरा नाम क्या होता है, पैडल। क्यों? क्योंकि वो जो है पैडल चला चला कर साइकिल चलाते हुए आपके सिलेंडर जो है वो जो है आपके सिलेंडर आपके घर तक पहुंचाते हैं। तो सिलेंडर वालों को जो हमारे सिलेंडर दे के जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हॉकर बोलते हैं उनको, हॉकर, ठीक है ना। तो हॉकर का अगला नाम क्या है, पैडल। तो पैडल से आपको रिलेटेड वर्ड आता है पैदल, वह पैदल चल चल कर सामान बेचता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।